2 दिसंबर भारतीय नौसेना में महिला सम्मान के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। इसी दिन भारतीय नौसेना को पहली महिला पायलट मिली। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने बतौर पायलट कमान संभाल ली। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली सब लेफ्टिनेंट शिवांगी कोची में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नौसेना के डोर्नियर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में उड़ान भरने के लिए तैयार हुई। नौसेना के मुताबिक सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन का 27वें एनओसी कोर्स ज्वाइन किया था और पिछले साल यानी जून 2018 में केरल के एजी माला स्थित इंडियन नेवल एकेडमी में अपनी कमीशनिंग पूरी कर ली थी। करीब 1.5 साल पायलट की ट्रेनिंग करने के बाद 2 दिसंबर को शिवांगी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। शिवांगी को कोची स्थित नौसेना की दक्षिणी कमान में सैन्य परंपरा के अनुरूप पायलट के तौर पर शामिल किया गया। नौसेना की पहली पायलट शिवांगी नौसेना का टोही विमान डोर्नियर उड़ाएंगी, जो समुद्र में देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी करता है। आपको बता दें कि हर साल 4 दिसंबर को नौसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है। ये स्थापना दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय नौसेना की बड़ी और निर्णायक कार्रवाई में विजय के तौर पर मनाया जाता है। 48वें स्थापना दिवस से पहले भारतीय नौसेना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नौसेना में करीब 70,000 नौसैनिक और अधिकारी हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या है महज 400। अभी तक नौसेना में महिलाएं प्रशासन, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, एजुकेशन ब्रांच में ही थी, लेकिन अब कॉकपिट के दरवाजे भी महिलाओं के लिए खुल गए हैं। हालांकि महिलाएं अभी भी युद्ध पोत पर नहीं तैनात की जा सकती, लेकिन वायुसेना ने महिलाओं को कॉकपिट रोल दे दिया। वायुसेना की 3 महिला पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही है। थल सेना ने भी अभी तक महिलाओं को युद्ध के मैदान में जाने की इजाजत नहीं दी है। थल सेना की संख्या करीब 13 लाख है, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी फौज में महिलाओं की संख्या महज 1,450 है। ये महिलाएं भी मात्र ऑफिसर लेवल पर हैं। JCO और नॉन कमीशन ऑफिसर यानी जवान के स्तर पर महिलाओं की भर्ती सेना सिर्फ मिलिट्री पुलिस के लिए हाल ही में खोली गई है। थल सेना में महिलाएं सिर्फ सिग्नल्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर, इंटेलिजेंस, जैक यानी लीगल ब्रांच, मिलिट्री पुलिस आदि में ही जगह पा सकती है। इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्म्ड कोर में उनकी भर्ती पर पूरी तरह से पाबंदी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।